सो हेलो भाई लोग, क्या आप भी मेरी तरह एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हो? तो सबसे पहले प्रूफ देख लो, मेरे मोबाइल में दो पिक्सआर्ट है और गाइज इसमें आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो भाई लोग, कैसे आप दो व्हाट्सएप कर सकते हो? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, और ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ड्यूल ऐप्स का या फिर क्लोन ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। गाइज देखो, मेरा रेडमी का है तो मुझे ड्यूल ऐप्स का ऑप्शन मिला है। अगर आपको नहीं ऑप्शन मिलता तो आप यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप ड्यूल ऐप्स सर्च कर देना। और अगर आपका रेडमी का फोन नहीं है, वीवो का है या फिर ओप्पो का है, तो आपको यहाँ पर क्लोन सर्च कर देना है। जैसे मैंने क्लोन सर्च किया तो मेरा रेडमी का है तो नीचे ड्यूल ऐप्स आ गया, उस पर क्लिक कर देना है। ड्यूल ऐप्स पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर जिस भी ऐप को दो करना है, चाहे वो कोई भी ऐप हो, उस ऐप पर जो है ना आपको क्लिक कर देना है। जैसे व्हाट्सएप को करना है, मुझे व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना। देन गाइज आपको ड्यूल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको इनेबल कर देना है। अगर आपका वीवो का है, फिर कोई और फोन है, तो फिर आपको यहाँ पर क्लोन ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसको ऑन कर देना है। सो भाई लोग, अभी हमारा जो ये व्हाट्सएप है ना, वो दो हो चुका है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये मेरा नॉर्मल व्हाट्सएप है और ये मेरा सेकंड वाला व्हाट्सएप है। सो ये तो मेरा पहला नॉर्मल व्हाट्सएप है, अभी मैंने दूसरा क्रिएट किया है। तो आप चाहे तो इसमें फिर से मतलब लॉग इन कर सकते हो। जैसे कि मैं इस सेकंड वाले व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे फिर से लॉग इन का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब मैं यहाँ पर बिल्कुल न्यू अकाउंट बना सकता हूँ। सो भाई लोग देखो, अगर आपका कोई और ब्रांड का फोन है, मेरा तो रेडमी का है, तो मेरे में ड्यूल ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। लेकिन आपका अगर कोई और मोबाइल है तो आपको क्लोन ऐप्स का मिलेगा, मतलब क्लोन मिलेगा आपको ड्यूल की जगह। सो भाई लोग, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो नीचे कमेंट कर देना, थैंक यू। और हाँ भाई लोग, अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो प्लीज कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर सकता है वीडियो बनाने के लिए। सो मैं अभी देख